हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर आप मेरी चैनल एसआई एंटरप्रेस में नया है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो मेरी चैनल एसआई एंटरप्रेस को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। जब भी मैं कोई अपडेट दूंगा, सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा और आप सबसे पहले उस अपडेट को देख पाएंगे। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बाजू वाला बेल आइकन को दबा देते हैं। तो दोस्तों, पलवन इंटरनेशनल का जो सेटलमेंट करना है, किस तरीके से करना है, जिसका आईडी पाल में अपडेट है या जिसका कोरल में अपडेट है, उनके पास फंड नहीं है, तो आप लोग चाहे तो सीनियर का मदद लेके कोरल और पाल आईडी में डॉलर फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बड़े रैंक में फंड ट्रांसफ़र नहीं होगा, छोटे रैंक में आप लोग कर सकते हैं। अगर आपका कोरल नहीं तो पाल में है तो आप कोरल पाल के अंदर ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वॉनिक्स से वॉस में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो फंड ट्रांसफ़र अगर करना है तो छोटे आईडी में करके आप लोग अपडेट कर सकते हैं। सीनियर का मदद लेके वॉनिक्स तक अपडेट कर लीजिए, करने के बाद सेटलमेंट कर लीजिए, उसके बाद आप अपना विड्रॉल को विड्रॉल कर लीजिए, वॉनिक्स तक विड्रॉल कर लीजिए। तो उसका प्रोसेसिंग मैं आप लोगों को लाइव दिखाने वाला है। तो मैं एक आईडी को जो पाल में एक्टिवेट है, तो मैं उसके अंदर अभी $150 भेजूंगा, लाइव दिखा रहा हूं। तो उस आईडी को मैं लॉगिन कर रहा हूं। देखिए, इसके अंदर सेटलमेंट मैं कर दिया और इसके अंदर 410 पड़ा हुआ है। मैं 150 इसके अंदर भेजा था, तो इसके अंदर से मैं 150 फंड निकाल रहा हूँ। ये आईडी से अगर छोटा आईडी है, ये वॉनिक्स में अपडेट है, इससे छोटा आईडी अगर होगा तो उसमें ट्रांसफर होगा। तो मैं पाल में जो आईडी एक्टिवेट है उसके अंदर मैं फंड भेज रहा हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे आईडी नंबर दे दिया, 150 फंड भी लिख दिया, ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी डाल दिया है और इसके अंदर टिक लगाना है। देखिए, मैंने ट्रांसफर पर क्लिक कर दिया है, 150 फंड यहाँ से चला गया है। अब इसके अंदर 260 पड़ा हुआ है। तो आप चाहे जितना भी छोटा आईडी हो, 200 के ऊपर फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इसके अंदर 260 फंड पड़ा हुआ है। तो मैं दूसरा आईडी को अब एक्टिवेट करूंगा, किस तरीके से करूंगा लाइव दिखा रहा हूं, देख लीजिए। तो मैं इस आईडी को लॉग आउट करके बाहर जा रहा हूं और जो आईडी मुझे अपडेट करना है उसको ओपन करना है। देखिए, आईडी पाल में एक्टिवेट है, इसके अंदर सेटलमेंट का कोई ऑप्शन नहीं दिया, जब तक मैं इसको वॉनिक्स रैंक तक अपडेट नहीं कर लेता। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, वॉनिक्स रैंक के अपडेट कर लिया तो इसमें 200% ऑटोफुल उसी टाइम दे देगा सेटलमेंट करते ही। तो देखिए, मैं यहाँ पे फंड भेज दिया 150 फंड, ये अपडेट करने के बाद मैं इसको निकाल लूँगा। तो देखिए, मैं अपडेट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, कोरल अपडेट हो चुका है। देखिए, यहाँ पे ऑटोफुल नहीं आया, सिर्फ पहले 16 आया था। वॉनिक्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, वॉनिक्स भी अपडेट हो चुका है। देखिए, तो आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, अपडेट करने का टाइम अगर पीला कलर हो गया तो वो वेटिंग में रहेगा, तो उसके अंदर ऑटोफुल नहीं आएगा, उस टाइम सेटलमेंट नहीं करना। उसको दोबारा वाइट के ऊपर टच करना है, इस जगह पर टच करना है। अगर ये ऐसे ब्लैक हो गया तो ओके, नहीं हुआ, अगर यहाँ पर पीला कलर का है तो आपको यहाँ पर टच करना है। टच करते ही ये सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा और ऐसा ब्लैक कलर का आ जाएगा, उसके बाद आपको सेटलमेंट करना है। तो आइए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस प्रोसेस में सेटलमेंट करना है। सेटलमेंट करते ही पूरे रैंक का ऑटोफुल आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे टच किया, उसके बाद टिक लगाया, उसके बाद सेटल नाउ यहाँ पे टच कर दिया, ये देखिए हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ पे रैंक वॉलेट में जाना है। ये देखिए, पूरा 00 है वॉलेट। रैंक वॉलेट में जाते ही यहाँ देखिए, हर रैंक में ऑटोपुल आ चुका है डबल। ये पाल का जो रैंक है $30 से अपडेट था, इसका डबल दे दिया $60। कोरल जो है $50 से अपडेट था, इसका डबल दे दिया $100। वॉनिक्स जो है, मैं अभी अपडेट किया, $100 से अभी $200 दे दिया, डबल दे दिया।
तो 1 इंच तक मैं विड्रॉल करके ले सकता हूँ। तो मैं इसको विड्रॉल कर रहा हूँ, पाल का विड्रॉल हो गया है, उसके बाद कोरल का विड्रॉल करना है, उसके बाद 1 इंच का विड्रॉल करना है। देखिए तीनों रैंक का ऑटोफुल विड्रॉल हो चुका है। तो आप मेरा होम पेज में आ चुका है, या मेन वॉलेट में आ चुका है 360 dp, और यहाँ से मैं 150 dp दिया था, वो मुझे निकलना है। तो 150 dp मैं अभी निकल लूँगा। तो दोस्तों वीडियो देख के सेम प्रोसेस में आप लोग भी ट्रांजेक्शन पासवर्ड बना लीजिए, और पाल से लेकर 1 इंच तक अपडेट करके पूरे रैंक का आपने सेटलमेंट करने के बाद विड्रॉल को विड्रॉल लगा लीजिए ऑटोफुल को, और उसके बाद फंड को आप पूरे मत निकालिए, सिर्फ 150 या 200 फंड वहां से निकालिए, क्योंकि अगर आपने जीरो बैलेंस कर दिया आपका अकाउंट हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा, इस तरीके से पेज आपको दिखाई देगा। और दूसरी बात, आप यहां से विड्रॉ नहीं लगा सकते, बैंक विड्रॉ नहीं कर सकते, ऑप्शन बिल्कुल ही बंद है। 25 जनवरी के बाद शायद आपको DP से सीट फंडिंग का ऑप्शन देगा, 5000 खर्चा करके BUSD 50 BUSD देके आपको सीट फंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपके पास जो पलवहीन का DP है उसी DP से सीट फंडिंग का ऑप्शन शायद आ चुका है, और 25 तारीख के बाद उसको ओपन कर दिया जाएगा। तो आप लोग सेम प्रोसेस में कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए वेट करिए, तब तक के लिए बाय बाय।